अक्सर हम व्हाट्सएप पर देखते हैं कि हमारे पढ़ने से पहले ही लोग मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि व्हाट्सएप के डिलीट हुए मैसेजेस कैसे पढ़ें। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि व्हाट्सएप के टॉपिक पर हमारे चैनल पर 40 से ज्यादा वीडियोस हैं। आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में क्लिक करके व्हाट्सएप के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के डिलीट हुए मैसेजेस पढ़ने हों तो ये ऐप है जिसका नाम है नोटिस सेव। यहाँ मैं एक एंड्रॉइड फोन पर इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी और अंत में दो जरूरी बातें, तो एंड तक देखते रहिए। ये है नोटिस सेव की ऐप। मैंने इसे पहले से अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। पहली बार जब आप आएंगे तो आपको कुछ परमिशंस देनी होंगी। अलाउ पर क्लिक कर देते हैं और अब ये आपसे आपकी नोटिफिकेशंस के लिए परमिशन मांग रहा है। ये बोल रहा है कि आपको नोटिफिकेशन के लिए इसको एक्सेस देना होगा। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर वो सारी एप्स हैं जिन्हें आप नोटिफिकेशन एक्सेस दे सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ नोटिस सेव को दे देती हूँ और फिर अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो ये बटन ऑन हो गया। चलिए अब वापस यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी सारी की सारी एप्स की लिस्ट अब यहाँ पर लोड हो रही है। वो कह रहा है कि अब आप चुन सकते हैं कि आप किन एप्स को नोटिस सेव पर सेव करें। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये पहले इसकी सेटिंग्स आ गई। पहले तो मैं ये लॉक स्क्रीन विजेट हटा देती हूँ और उसके बाद आप चाहें तो आप यहाँ पर एक पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वाला स्टेप मैं यहाँ पर स्किप करने वाली हूँ। और सेटिंग से हम बाहर आ गए। चलिए अब मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की ऐप को खोल लेते हैं। अब ये मेरा एक कॉन्टैक्ट है और मैं अपने टेस्ट फोन से यहाँ पर मैसेज भेजती हूँ। व्हाट्सएप से बाहर आ गई और अब उसी फोन से मैं एक मैसेज भेजती हूँ और उसके बाद पढ़ने से पहले ही उस मैसेज को मैं डिलीट कर देती हूँ। ये रहा व्हाट्सएप। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मुझे तीन नए मैसेजेस आए हैं, हाय, हाउ आर यू, और जो आखिरी मैसेज है वो डिलीट किया गया है। अब अगर मुझे ये वाला मैसेज पता करना है तो मैं कैसे पता करूँ? अब हम नोटिस सेव की ऐप पर जाते हैं और अब हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाय, हाउ आर यू, और जो तीसरा मैसेज था जो कि डिलीट हो गया था वो था वॉन्ट टू स्पीक। तो आप देख सकते हैं कि इस ऐप ने वो वाली नोटिफिकेशन को कैप्चर कर लिया और डिलीट होने के बाद भी इस मैसेज का रिकॉर्ड आपके फ़ोन में है और आप देख सकते हैं कि आपके किसी कॉन्टैक्ट ने आखिर क्या मैसेज डिलीट किया था। जाने से पहले दो ज़रूरी बातें। पहली तो ये कि एक बार आपने नोटिस सेव इंस्टॉल कर लिया उसके बाद ही आप आगे के डिलीट हुए व्हाट्सएप मैसेजेस देख पाएंगे। जाहिर सी बात है कि ऐप को इंस्टॉल करने से पहले वाले डिलीटेड मैसेजेस आप नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, आप हर ऐप की नोटिफिकेशन का एक्सेस नोटिस सेव को दें ये जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अपने मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स या पेमेंट एप्स की परमिशंस मत दीजिए। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ सावधान रहिए। थोड़ी सी बेसिक अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो ये ऐप काफी काम की साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू, धन्यवाद।